दोस्तों, वैसे तो ट्रेन टिकट बुक करने के कई एप्लीकेशन हैं, जिनमें से एक एप्लीकेशन का नाम है एग्जिको। यदि आपने एग्जिको एप्लीकेशन से अपना ट्रेन टिकट बुक किया है, लेकिन यदि आप किसी कारण से जर्नी नहीं करना चाहते हैं, जिससे कि आप अपने बुक किए हुए ट्रेन टिकट को कैंसिल करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले हम अपने मोबाइल के अंदर एग्जिको एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। एग्जिको एप्लीकेशन के होम पेज पे ही बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, लेकिन सबसे नीचे के डैशबोर्ड में एक ऑप्शन है ट्रिप। तो सबसे पहले हमें इस ट्रिप पे क्लिक करके अपने बुक किए हुए ट्रेन टिकट को खोज लेना है। तो अभी तक आपने जितनी भी ट्रेन टिकट बुक किया है, वो सभी ट्रेन टिकट यहाँ पे दिखाई देंगे। तो इन ट्रेन टिकट में से जिस भी ट्रेन टिकट को आपको कैंसिल करना है, उस ट्रेन टिकट के ऊपर आपको एक बार क्लिक कर देना है। उसके बाद ट्रेन टिकट का पूरा डिटेल आपके मोबाइल में दिखाई देगा। सबसे ऊपर में ट्रेन का नंबर, नाम, जर्नी डेट, टाइम, ये सब कुछ दिया है, और यहाँ पे PNR नंबर है, और जितने भी पैसेंजर का आपने ट्रेन टिकट बुक किया है, उन सभी पैसेंजर का नाम यहाँ पे दिखाई देगा। इस पेज को हम थोड़ा सा और ऊपर खिसकाएंगे तो नीचे में यहाँ पर किराए का पूरा डिटेल दिखाई देगा, यानी हमने जो ट्रेन टिकट बुक किया है, उस ट्रेन टिकट का टोटल किराया कितना है, उस किराए में कौन कौन से चार्ज लगे हैं, वो सब कुछ यहाँ पे दिखाई देगा। यदि मान लीजिए हमें इस ट्रेन टिकट को कैंसिल करना है, तो यहाँ देखिए एक ऑप्शन है कैंसिल टिकट, इस पे हमें क्लिक कर देना है। तो सभी पैसेंजर का नाम तथा करंट स्टेटस यहाँ पे शो हो जाएगा। मैंने यहाँ पर चार लोगों के लिए ट्रेन टिकट बुक किया है, लेकिन मान लीजिए इनमें से केवल आपको एक ही दो लोगों का ट्रेन टिकट कैंसिल करना है, तो जिसका भी ट्रेन टिकट कैंसिल करना है, उसके सामने में एक चौकोर बॉक्स है, इसमें आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ नीचे में दिखाई देगा कि ट्रेन टिकट कैंसिल करने पे कितना रिफंड होगा। और यदि मान लीजिए आपको सभी टिकट को कैंसिल करना है, तो एक ही बार ऑल को सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद रिफंड का यहाँ पे सोर्स दिया हुआ है कि जो पैसा रिफंड होगा उसे आप कहाँ रिसीव करना चाहते हैं। यदि आप एग्जिको मनी में रिफंड पैसे को लेना चाहते हैं, तो आपको इस पहले वाले को सेलेक्ट करना है, जिसमें कि तुरंत ही पैसा आ जाता है। और यदि आप चाहें, आपने जिस भी बैंक अकाउंट से टिकट का पेमेंट किया था, यदि आप रिफंड उसमें लेना चाहते हैं, तो इस नीचे वाले को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सबसे नीचे लिखा है प्रोसीड विद रेगुलर रिफंड, इस पर क्लिक कर देना है। एक बार फिर से यहाँ पे श्योर करने के लिए बोला है, तो यदि आप श्योर हैं कि आपको इन सभी पैसेंजर के टिकट को कैंसिल करना है, तो सबसे नीचे लिखा है कैंसिल नाउ, हम इस कैंसिल नाउ पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही कैंसिल नाउ पे क्लिक करेंगे, तो छोटा सा प्रोसेसिंग होगा, और प्रोसेसिंग होने के बाद हमारा ट्रेन टिकट सक्सेसफुली कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर सभी पैसेंजर का नाम तथा यहाँ नीचे में रिफंड शो होगा कि आपका ट्रेन टिकट कितने का था, कैंसिलेशन चार्ज कितना लगा है, और टोटल रिफंड कितना हुआ है, ये सब कुछ यहाँ पे दिखाई देगा। चलिए बैक करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी पैसेंजर हैं, उनके नीचे में लिखा आ गया कैंसिल कैंसिल कैंसिल, सबके नीचे में कैंसिल लिखा है, यानी हमने यहाँ पर सभी पैसेंजर के ट्रेन टिकट को सक्सेसफुली कैंसिल कर लिया है, और इसका रिफंड सीधे हमारे बैंक अकाउंट में पहुँच जाएगा। तो ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो मिलते हैं इसी प्रकार की एक और ज्ञान वाली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।